आज के इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर के ताल्लुक से देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर की नॉर्मल डिफिनेशन है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट आर दी फिगर्स और अ डिजिट दैट आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन दैट इज अनसर्टेन। और ये डिफिनेशन को आसानी से समझने के लिए हम इसको ऐसा कुछ लिखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सर्टेन डिजिट को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम होता है, एक और नाम होता है कि रिलायबल, कि जो डिजिट पर हम भरोसा कर सकते हैं। और अनसर्टेन डिजिट बोले तो कि अनरिलायबल, कि जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि ये एग्जैक्ट नंबर है या नहीं है। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हम क्या करेंगे कि रॉड की जो है वो लेंथ मेजर करेंगे और वो भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है अपने पास में मेजरिंग स्केल, जिसको हम ज्यादा यूज करते हैं। और जब हम इसको यूज करेंगे तो एक बात इसकी ख्याल में रखेंगे कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 mm का। लीस्ट काउंट बोले तो कि ये सबसे कम जो मेजरमेंट कर सकती है वो 1 mm की कर सकती है। अगर 1 mm से अगर मेजरमेंट कम होती है तो ये इसको काउंट नहीं करेगी। तो ये हुआ है 1 mm का लीस्ट काउंट। और जब हमने ये रॉड की इससे लेंथ मेजर की है तो आई 2.3। और अभी हमने ऊपर समझा था कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो होता है सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट का कॉम्बिनेशन। तो ये जो 2 है ये हो गया सर्टेन डिजिट की जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3 है तो 3 हो जाएगा अनसर्टेन डिजिट, क्योंकि इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि ये 2 भी हो सकता था, ये 4 भी हो सकता था, ये 5 भी हो सकता था, लेकिन ये 3 है क्योंकि अभी हमने देखा था कि इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm की है। अगर 1 mm से अगर नंबर कम होगा तो इसमें चेंजेस आएंगे, तो ये हो जाएगा अनसर्टेन डिजिट। और फिर हम यही रॉड की लेंथ को मेजर करेंगे वर्नियर कैलिपर से, और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो था 0.1 mm का, ठीक है। जब हमने वर्नियर कैलिपर से इसकी लेंथ मेजर की तो आई है 2.32। अब पहले तो 2.3 थी, अब 2.32 आ गई। इसका मतलब अब यहां पर ये 2.3 जो है ये हो जाएंगे रिलायबल डिजिट, और ये 2 है वो हो जाएगा अनरिलायबल डिजिट, क्योंकि यहां पर पहले जो मेजरमेंट की थी उसमें 3 जो था वो अनरिलायबल था, अब यहां पर 2 जो है वो अनरिलायबल है, ठीक है। और फिर बाद में हम एक काम करेंगे कि यही रॉड की जो लेंथ है वो हम स्क्रू गेज से मेजर करेंगे। क्यों स्क्रू गेज से? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.01 mm, और इसका जब लीस्ट काउंट कम है तो ये एक्यूरेसी ज्यादा देगा। और जब हमने उससे इसकी मेजरमेंट की तो वो अंदर नंबर आया 2.323। अब फिर यहाँ पर एक नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ गया, पहले 2 ही था, पहले 3 नंबर थे, पहले जो नंबर थे वो 3 थे, अब हो गए 4 नंबर। अब इसके बाद में ये जो 3 नंबर है तो हो जाएंगे रिलायबल डिजिट, और ये जो 3 है वो हो जाएगा अनरिलायबल, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। जैसा पहले हम 3 आया था अनरिलायबल, फिर चेंज होके आया 2 अनरिलायबल, फिर बाद में अब आया 3 फिर अनरिलायबल, तो हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। और यही जो कॉम्बिनेशन ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और जैसा ये पहले एग्जांपल में 2.3 है, दो सिग्निफिकेंट नंबर है, और जो वर्नियर कैलिपर से जब मेजरमेंट की तो इसमें आए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जब हमने स्क्रू गेज से इसकी मेजरमेंट की तो इसके पास में आए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे कि कोई बॉडी का वेट करेंगे वेइंग मशीन पे, और ये जो वेइंग मशीन है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg का, 1 kg का। और अगर 1 kg से अगर कोई वेट कम होता है तो ये इसको काउंट नहीं करने वाली, 1 kg के ऊपर जितना भी होंगे इसको सबको काउंट करेगी, और 1 kg के नीचे अगर आधा kg भी रहता है तो ये इसको राउंड नहीं करने वाली है। तो हमने जब इसकी बॉडी की मेजरमेंट की तो इसका जो वेट आया हुआ है 2000 kg, और इसमें ये जो 200 है ये हो जाएंगे रिलायबल डिजिट, और ये 0 जो है वो जाएंगे अनरिलायबल डिजिट। ये अनरिलायबल क्यों? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg का है, और ये जो 0 आया है तो क्या पता कि आधा kg भी एक्स्ट्रा हो इसके अंदर में, जिसको इसने काउंट नहीं किया, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही 1 kg का है। तो इसलिए जो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो आ जाएंगे 4, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट का, तो इसलिए ऐसे नंबर आ जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। और एक नोट में हम पॉइंट देखेंगे कि अगर सपोज अगर हमारे पास में 2000 ही रहता था,
उसमें कोई यूनिट नहीं लिखी हुई रहती थी। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा। और वैसे ही हम देखेंगे दूसरा के 2.000, अगर ऐसे नंबर होता है तो यहाँ पर लीस्ट काउंट मालूम है हमको, लीस्ट काउंट बहुत करीब में है, बहुत छोटा लीस्ट काउंट है, तो इसलिए इसकी जो नंबर है जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हो जाएगी 4। और समरी का एक पॉइंट हम ख्याल रखेंगे कि अगर हमारे पास में लीस्ट काउंट डिक्रीज होता है, कि अगर लीस्ट काउंट कम हो जाएगा तो जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब एक्यूरेसी इंक्रीज होगी तो जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है वो बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2.00 में सिर्फ सिग्निफिकेंट वन था, तो यहाँ पर एक्यूरेसी जो थी वो कम थी, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम आया है। और हम अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखते थे तो वहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आए थे वो आए थे 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीस्ट काउंट जो था वो कम था, एक्यूरेसी ज़्यादा थी, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज़्यादा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन क्या रूल होते हैं कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट होगा और कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा। तो थैंक यू।